झारखंड कोलियरी मजदूर संघ की ओर से राजधानी के गेस्ट हाउस में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के नेतृत्व में एक बैठक की गई। इस मौके पर केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि झारखंड कोलियरी यूनियन संघ को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे वहां के कामदार और विस्थापितों को न्याय दिलाया जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद CCL, BCCL और ECL के समस्याओं का निदान कैसे हो, इस पर भी विचार किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं मथुरा प्रसाद महतो के बिहार कोलियरी में शामिल होने पर बताया गया कि उनको शो कॉज नोटिस किया गया है, जिसका जवाब आ गया है। जवाब से संतुष्ट होने या नहीं होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष माननीय गुरु जी के अध्यक्षता में यहाँ सम्पन्न हो रही है और इस बैठक में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे यहाँ के जो कामगार हैं, जो विस्थापित हैं या जो प्रभावित परिवार हैं, उनको कैसे न्याय दिलाया जाए, कामगारों को कैसे उनका हक दिलाया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। और चर्चा उपरांत चाहे वो ECL का मामला हो, BCCL का मामला हो या CCL का मामला हो, इन तीनों कंपनियों में मजदूरों से संबंधित, कामगारों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के और वहां के प्रबंधन से मिलने का काम किया जाएगा। उनके समस्याओं का निदान कैसे हो, इस दिशा में उनसे बातचीत होगी और अगर बातचीत सकारात्मक नहीं होती है तो निश्चित रूप से आंदोलनात्मक रुख अपनाया जाएगा। इन्हीं सब विषयों पर आज यहां पर चर्चा हो रही है और माननीय गुरु जी विशेषकर विस्थापित परिवारों के प्रति, कामगारों के प्रति जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसको लेकर के वो काफ़ी गंभीर हैं और उस विषय को लेकर के वो लगातार यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं और आगे उनको सचेत करते हुए कार्रवाई करने का, आंदोलनात्मक रुख अपनाने का निर्देश भी उनके द्वारा दिया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।